नारायण 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 हे नारायण 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 हे नारायण। जहां एक ओर मेरे प्रभु महादेव अत्र तत्र सर्वत्र श्री हरि नारायण को ढूंढने में व्याकुल थे, वहीं दूसरी ओर पंच सुंदरियां श्री हरि नारायण की सेवा शुश्रा में लगी थी। किंतु उन्होंने तो वास्तव में अपने छलपूर्ण प्रेम से श्री हरि नारायण को बंधक ही बना लिया था। सुरक्षा एवं अभेद भवन में श्री हरि नारायण को रोकने के पश्चात भी उनके मन में एक भय सदैव व्याप्त रहा। सेनापति, सेनापति, ये यहाँ किन निर्बल सैनिकों को नियुक्त किया है आपने? क्या हमारी सेना में इनसे अधिक सबल सुगठित सैनिक नहीं है जिन पर यहाँ की निगरानी का भार छोड़ा जा सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अभी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ और सबल सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। और उन सुरक्षा घेरों का क्या हुआ जिसके निर्माण का आदेश दिया था हमने? समुद्री पाताल के पांचों प्रवेश द्वारों को बाधित कर दिया गया है। सागर तल के नीचे जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ऐसी दो भारी शिलाओं से ढक दिया गया है जिसे हिलाना असंभव के समान है। और इस भवन के प्रत्येक द्वार पर अधिक से अधिक सैनिक नियुक्त कर दिए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए देवी, ना तो यहाँ कोई प्रभु श्री हरि नारायण के समीप आ सकता है और ना ही कोई उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ कितने भेजा है तुम्हें? देवी लक्ष्मी ने? नहीं देवी, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक साधारण दासी हूँ जो यहाँ जल रखने आई हूँ। हाँ देवी, ये तो एक सेविका मात्र है और इसे कुछ ही समय पूर्व ही नियुक्त किया गया है। सावधान सेनापति, कोई भी नवीन सेविका प्रभु हरि नारायण के कक्ष में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। मात्र और मात्र वो ही सेविका प्रवेश कर सकती है जिन्हें हमने नियुक्त किया है और कोई भी नहीं। इधर तो पंच सुंदरियां नारायण को और भी अधिक कड़ी सुरक्षा में बांध रही थीं, जिससे कोई भी उनके निकट ना पहुंच सके। और उधर देवी लक्ष्मियां पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी और देवताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो जब सभी निरुपाय हो जाते हैं तो फिर एकमात्र उपाय कैलाश ही शेष रह जाता है। गौरीपुत्र, कदाचित स्वामी भ्राता श्री हरि नारायण को ढूंढ ही लाए। ये तो देवी लक्ष्मी अकेली ही आ रही है यहाँ। अवश्य
भैया नारायण की अनुपस्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित है देवी लक्ष्मी। देवी प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, हम सभी वैकुंठ गए थे किंतु हमें वहां ना आपके दर्शन प्राप्त हुए और ना ही प्रभु श्रीहरि नारायण के। प्रभु कहाँ है माता, हमें उनके दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? माता, उनके बिना सृष्टि का पालन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ माता, कहाँ चले गए हैं प्रभु श्री हरि नारायण? देवगण, देवगण, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। महादेव भ्राता श्री हरि नारायण को लौटाने के लिए प्रस्थान कर चुके और महादेव अपने आराध्य श्री हरि नारायण को ढूंढ ना सके, ये तो असंभव है। महादेव को अब भ्राता श्री हरि नारायण के निकट पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की कृपा से हमारा भय हमारा भ्रम ही प्रमाणित हुआ। हमारे प्रभु तो यहीं स्थित हैं, सर्वथा सुरक्षित हैं। उनका ये भ्रम तो अब शीघ्र सत्य होने वाला था लंकेश, क्योंकि माँ के समान मुझे भी विश्वास है कि पिता श्री प्रभु महादेव ने प्रभु श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा। नहीं मूषक महाराज, महादेव के लिए भी श्री हरि नारायण को ढूंढ पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो तो सागर तल के नीचे सर्वाधिक दुर्लभ स्थान अर्थात समुद्र पाताल में स्थित थे और यहाँ प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में ही यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे थे। हे नारायण, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे नारायण, ये कस्तूरी मृग को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, किंतु मैं कब अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा? कहां मिलेंगे आप? नहीं समझे मूषक महाराज, कहीं आपकी बुद्धि भी आपके शरीर के समान छोटी तो नहीं है? रुकिए लंकेश, मैं मूषक जी को समझाता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए ना। मूषक जी, कस्तूरी मृग के नाभि स्थल से कस्तूरी की सुगंध आती है, किंतु अपने भीतर की इस सुगंध से अनभिज्ञ वो मृग कस्तूरी के स्रोत को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जिसे ढूंढ रहा है
वो तो उसके भीतर ही समाहित है। और उसी को देखकर प्रभु महादेव को भी आभास हुआ कि जिन प्रभु श्री हरि नारायण को वो सर्वत्र ढूंढ रहे हैं, वो तो उनके हृदय में वास करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयम् विष्णुम्, विष्णोच्च हृदयम् शिवः। यथा शिवमयो विष्णुरेवम् विष्णुमयः शिवः। अर्थात विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है तो विष्णु के हृदय में स्वयं शिव का। इसलिए जहाँ कोई प्रभु विष्णु को ढूंढकर उन्हें प्राप्त करेगा, उसे तो वहीं शिव स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और जहाँ शिव होंगे वहाँ तो विष्णु का होना भी अनिवार्य है। सत्य का आभास होते ही प्रभु महादेव ने श्री हरि नारायण को ढूंढ लिया। इस प्रश्न का उत्तर तो हाँ भी है और ना भी। जो मेरे हृदय में वास करते हैं उन्हें सर्वत्र क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? ये मेरा नहीं, आपके हृदय का स्पंदन है नारायण। क्योंकि मेरा स्पंदन तो आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा। ये कैसी ध्वनि, कौन है यहां? क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु? हमें आदेश दीजिए, हम उसे ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मेरे वक्ष में जो हृदय का स्पंदन गुंजायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी और का है, किंतु किसी और का होते हुए भी बहुत अपना सा प्रतीत हो रहा है। ये क्या, देवी लक्ष्मी ही पुनः प्रभु को पाने का प्रयास कर रही है? परिचित सा आभास क्यों करा रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मैं इस स्वर से युगों युगों से परिचित हूं। हे
क्या कहा अभी? किसके नाम का उच्चारण किया? हम महादेव को यहाँ आकर श्री हरि नारायण को ढूंढने नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो यहाँ आ गए तो वो प्रभु को अवश्य ले जाएंगे, और प्रभु को खोना हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, हम इन्हें कदापि नहीं खोएंगे। इसके लिए हम इन्हें क्रियान्वित करेंगे। जो यहाँ किसी को प्रवेश करना तो दूर, दृष्टि तक नहीं डालने देंगे। लंकेश, ये किसे क्रियान्वित करने की बात कर रही थी पंचसुंदरियाँ? अपने अर्थात स्वयं श्री हरि नारायण के पुत्रों को। प्रभु महादेव के विरोध में वो उन शिष्टों का प्रयोग करने जा रही थी। वो अब नन्हे शिशु नहीं रहे थे, अपितु अत्यंत हिंसक और आक्रामक युवा योद्धाओं में परिवर्तित होकर वो तो समस्त जगत को आतंकित करना आरंभ कर चुके थे। किंतु इस बार वो सभी अपनी माता के आदेश पर युद्ध करने के लिए प्रेरित होने वाले थे। हम सभी प्रभु श्री हरि नारायण की संतान हैं। उन्हीं की भांति सर्वशक्ति संपन्न हैं हम। इसलिए आप सभी चिंता कदापि ना करें माता। हम यहाँ अपने स्थान में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे, फिर भले ही वो कितना प्रचंड योद्धा क्यों ना हो। हाँ माता, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना प्रभु के धनुष से साधे हुए बाण अपने लक्ष्य से भटकता है और ना ही उनके धनुष के हाथ के अंश से जन्मे इस सटीक का। बाण तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माताओं। ये शूल तो हमारे पुत्र की ओर ही आ रहा है। युवराज के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि नारायण के उस हाथ के अंश मैंने जन्म लिया है जिसमें वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए मुझ में तो सुदर्शन चक्र की तीव्रता है।
श्री हरि नारायण अपने जिस हाथ में गदा धारण करते हैं, मैं उनके उसी हाथ के अंश से जन्मा हूँ। इसलिए मैं तो उनके गदा के समान ही महाशक्तिशाली हूँ माता। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी दो भागों में बांट सकता हूँ। और मैं गर्जन प्रभु के शंखधारी हाथ से जन्मा, ध्वनि ही मेरी शक्ति है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुम सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए दिव्य अस्त्र भी हैं। फिर तो कोई भी महाशक्ति हमारे समक्ष आ जाए, वो हमारा सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। सागर के तल को भेदने के लिए मुझे अत्यंत शक्तिशाली खुरो और विशाल सिंह की आवश्यकता होगी। श्री हरि नारायण कहीं भी स्थित क्यों ना हो, मैं उन्हें अवश्य लौटा कर लाऊंगा। भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उसे पिताजी की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। लंकेश, अब भीषण युद्ध छिड़ने जा रहा था। श्री हरि नारायण के पुत्रों और प्रभु महादेव के वृषभ अवतार के मध्य। गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु को इसकी चिंता नहीं थी कि उनके समक्ष कैसी चुनौती प्रस्तुत होने वाली है। उन्होंने नारायण को ढूंढने के एकमात्र ध्येय से ही सागर में प्रवेश किया।
अवश्य श्री हरि नारायण सागर तल के निकट ही स्थित हैं। किंतु इसके पूर्व कि मुझे नारायण का संकेत देने वाली ध्वनि तरंगे खो जाएं, मुझे शीघ्र उन तक पहुंचना होगा। कर रहे हैं प्रभु? वो अपने स्थान से उठ क्यों गए? प्रभु का इतना अनमना होना तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहां पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुंच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है, उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निकल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरि नारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा।
याद था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं, अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया। कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर की शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया। अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है। इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभू के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी, नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु वृषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहाँ है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साधकर इसका अंत करूंगा।
चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सहगर तल पर गिरेगा। तब भ्राता बलधर, आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता, अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो यह आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हमी पे भारी पड़ रहा है। यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुमने तो कहा था मुझे प्रतिशोध प्राप्त होगा, आनंद आएगा, किंतु इस दृश्य से तो मैं तनिक भी आनंदित नहीं हुआ। अभी तो मेरा क्रोध और बढ़ता जा रहा है। परंतु अब जो दृश्य मैं प्रस्तुत करूंगा उससे अवश्य ही आनंदित होंगे हम। हे नारायण, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे उचित दिशा निर्देश दे प्रभु। अंतिम अस्त्र का चिन्ह तो लुप्त हो चुका है। शूल प्रहार से तो ये विचित्र प्राणी सुरक्षित बच गया, किंतु अब ध्वस्त होते इन पर्वत के शिलाखंडों से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? ये तो आपका अति उत्तम वार था भ्राता बलधर। ऐसी क्या शक्ति है इसमें जो बार बार हमारे वारों से सुरक्षित हो रहा है ये? इसकी शक्ति तो जैसी भी हो यहाँ कदापि नहीं पहुंच पाएगा। कोई मुझे यहाँ पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहा था, अर्थात
ये निश्चित है कि श्री हरि नारायण यहीं कहीं इस समुद्र तल के नीचे पाताल में ही स्थित हैं और पाताल पहुंचने का यही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। संकट निकट है, इसलिए हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि ये महादेव है जिनका आगमन यहाँ हो रहा है और यदि हमारे पुत्र उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तो उनकी मात्र एक झलक पाकर ही प्रभु श्री हरि नारायण को सारी स्मृति लौटाएगी। श्री हरि नारायण पुनः देवी लक्ष्मी के पास लौट जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते। कक्ष सज्ज है, चलिए इन्हें ले चलते हैं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि हम पर कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु, कोई हमारे समुद्री पाताल पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम आपको इससे भी श्रेष्ठ और सुरक्षित कक्ष में ले जा रहे हैं, जो इस कक्ष से कहीं अधिक सुरक्षित है। प्रभु, किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपके पराक्रमी पुत्र हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आपको उनकी शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं? अभी तो आपने कहा कि हमारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि वो किसी भी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सकते हैं। मुझे अपने पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है प्रभु, ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुत्रों ने वहाँ जाने के लिए कहा है। अगर आप हमारे साथ वहाँ होंगे तो हमें और सुरक्षा का आभास होगा। इसलिए हमारा अनुरोध मत टालिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ। और हमें ज्ञात है प्रभु, हम पर छाए ऐसे संकट में आप हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुरक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है ना? उचित, आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। चलिए। वो पंचों पर गया तो प्रभु तो वही करवा रही थी जो वो चाहती थी। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जो सभी के साथ छल करते हैं, अब पंच सुंदरियां उन्हीं को ही छल रही थी। प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये भी उनकी ही लीला का भाग होगा जिससे संसार को कोई महान सीख प्राप्त हुई होगी। श्री हरि नारायण की लीला का तो ज्ञात नहीं, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के पाताल गमन का समय अवश्य आ गया था। समय आ गया है, मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ उचित कहा,
इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम पांचों पाताल लोक के पांचों प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। प्रवेश करने के ये पांच द्वार हैं। से किसी भी द्वार को भेजने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहां स्थित है। उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहां कहां है? हे नारायण आप कहां है? हे नारायण आप कहां है? हे नारायण आप कहां है? नारायण आप कहां है? यही क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं। स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त ना कर दे। हाँ प्रभु, और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वही चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है, फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहाँ, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। हे
अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही है, किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा वहीं पर इसका अंत भी होगा। क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद, विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशय समझने में मैं असमर्थ हूँ प्रातः। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहाँ है। डमरू का नाथ अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे। श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। ऐसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू। प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा। मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद, किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है
कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए।